सब्सक्राइब कीजिए लखनऊ बॉयज वन चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अश्वन कुमार, आप देख रहे हैं चैनल लखनऊ बॉयज वन। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे अब साथ ऑटो से ला चुका हूँ। जैसा देख सकते हैं मैं भी, आप लोग की बहुत डिमांड आई थी भाई आप R15 दिखाइए, MT15 दिखाइए, Pulsar 220 दिखाइए, तो मैं उसी के लिए आपके लिए वीडियो लिखा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाई सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अफसर। अफसर जी, शॉप का क्या नाम है? अफसर ऑटो सेल्स। एड्रेस है 143 करामत मार्केट, निशादगंज, लखनऊ। अच्छा, तो चारबाग से आना चाहिए तो कैसे है? बिल्कुल वहाँ से बता दें कि हमको निशादगंज टेम्पो स्टैंड जाना है। अच्छा। बिल्कुल टेम्पो स्टैंड पे उतरे, दो कदम पैदल आए, 10 कदम सामने ही हमारा है मार्केट, करामत मार्केट, अफसर ऑटो सेल्स। पूरा ये हब है सेकेंड हैंड बाइकों का जी, उसमें ये एक शॉप है। अभी स्टार्टिंग तो हमारे पास से अभी प्रेजेंट टाइम में तो आती रहती है, जाती रहती है, तो स्टार्टिंग भी आ जाती है 20-25 के रेंज में। मगर ये है कि अभी हमारी वो सब गाड़ियाँ नहीं है जो कम बजट वाली गाड़ियाँ हैं। अभी जो गाड़ी है हमारे पास वो एक्टिवा वगैरह जो है वो 35,000 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 35 से स्टार्टिंग गाड़ियाँ हैं हमारे पास। हाई रेट तो आप ले जाइए, नियर अबाउट जाएगी आपकी 65-70 हज़ार तक जाएगी, जो कि जी जी एक्टिवा 6G जाएगी आपकी। भाई सबसे पहले कौन सी गाड़ी दिखा रहे हैं? सब गाड़ियां हैं, जहां से स्टार्ट कर लीजिए आप। तो स्प्लेंडर दिखाइए आप। हाँ, तो ये स्प्लेंडर, ये आप देख लीजिए, स्प्लेंडर प्लस है ये सेल्फ, i3S वाली है, मोड की है पूरी गाड़ी है। 2019 है, 5 साल जीरो डिप है ये। अच्छा। 5 साल जीरो डिप इंश्योरेंस मिलेगा आपको इस पर। और जो हमारी डिमांड है ये 67 की है। डिमांड ये 14,000 चली हुई है गाड़ी, 14,500। हाँ, जेन्युइन है, 14,541। नहीं नहीं, हमारा वो सब सिस्टम नहीं है। माइलेज तो ये तो वेर ग्रीन गाड़ी है, शुरू से आज तक आप अगर देखा जाए एवरेज तो 60-65 का एवरेज तो देती है गाड़ी। और क्या डिमांड कर रहे हैं इसे? डिमांड हमारी 67 की है। 67 की। हाँ, और इसमें भी कुछ कम कर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फाइनेंस के बारे में? फाइनेंस की भी है आपकी है, अब फाइनेंस भी हो जाएगी आपकी। जैसे सपोज दैट आपकी यहाँ की आईडी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपका अपना, हाँ, लखनऊ वालों के लिए। अगर बाहर का है तो कोई ना कोई यहाँ का उसका रिलेटिव होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक बिल दे दे वो, और ये विटनेस में कह दे कि हाँ इनको मैं जानता हूँ, तो उसका भी हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो उसको एक विटनेस चाहिए यहाँ के लिए। इलेक्ट्रिक बिल जो बैंक मांगती है हमारे यहाँ, जो अथराइज है बैंक IDFC, वो फाइनेंस टू व्हीलर लोन का करती है, जो कि बाहर बोर्ड भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें नंबर भी लिखे हुए हैं आपके, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपने जो गाड़ी पसंद किया उसके रिगार्डिंग वो बता देते हैं कि फाइनेंस का क्या है रिक्वायरमेंट। मगर ये कि आप मन देखा जाए तो 25% आपको डाउन पेमेंट देना होता है, 75% आपका लोनिंग हो जाती है गाड़ी जी। ये भाई दूसरी गाड़ी कौन सी है? ये पैशन प्रो है, जो न्यू वाली आ रही है आपकी, BS6 है इसको बोलते हैं जी। कितने किलोमीटर चल गई? ये 25 चली हुई है, 3,000 के आसपास चली हुई है, 2500 चली हुई, 3,000 के आसपास चली है गाड़ी। ये दोनों आपकी 2020 मॉडल है, वो भी लास्ट की गाड़ियाँ हैं ये हमारी जो डिमांड है जी जी 2020 है। एक ब्लैक कलर है, एक रेड कलर पे है। आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं जो भी लेने वाले हैं, इच्छुक हैं उसको। ये हमारी 68,000 रुपये डिमांड है, इसमें भी नेगोशिएशन हाँ सेम है, और वो 2500 किलोमीटर चली गई, ये भी बस 2500-2700 में भी चली गई है लगभग जी जी। और डिमांड 68 की है, इसमें भी नेगोशिएशन है। हाँ, BS6 है सब गाड़ियाँ, सारी सर्विसेज हैं, एक सर्विस उसकी हुई है। 20 लास्ट की है, नवंबर दिसंबर की गाड़ी है, दोनों 20 की मॉडल है। और 68 डिमांड है। पल्सर जो आप देख रहे हैं ये 150 पल्सर है, बजाज की 150 पल्सर है, 2018 मॉडल है ये गाड़ी जी। किलोमीटर चल गई है ये? नियर अबाउट चली हुई है 12 के आसपास चली है, 12-13 हज़ार चली हुई है गाड़ियाँ। ऑनर कितने रहेंगे? ओनर हमारे यहाँ सब फर्स्ट ओनर, तो जितनी गाड़ियाँ आप देखेंगे हमारे यहाँ सब फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर गाड़ी नहीं मिलती हमारे पास। बहुत रियल केस होता है कि कोई सेकंड ओनर आ जाए तो आ जाए, नहीं हमारे पास फर्स्ट ओनर के अलावा नहीं गाड़ी मिलती है। 150 सीसी। क्या माइलेज निकला था इसका? माइलेज आपका अगर देखा जाए सिटी में अगर आप चला रहे हैं तो ये आ जाता है 40-42 आ जाता है, और आप सिटी के बाहर जा रहे हैं 45 भी देती है ये एवरेज। इसी से गाड़ी उठी है बजाज की, 150 पल्सर से ही उठी हुई है। इसके बाद 180 आती है, 220 भी है हमारे पास, 220 भी खड़ी हुई है ड्यूल ABS। ये 60,000 रुपये डिमांड है इसकी जी, 2018 मॉडल है। और वो 220 की बता दीजिए। 220 हमारे पास आपको मिल जाएगी, 17 मॉडल भी है, 19 मॉडल भी है, डबल डिस्क, ये डबल डिस्क में आती है ज़्यादातर ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं। तो हमारे पास जो 17 वाली है उसकी जो डिमांड हमारी है 75 की है, और 2000 जी, और 2000
2019 मॉडल जो है वो फुल्ली लोडेड ड्यूल एबीएस पे है, जिसको ड्यूल का मतलब बोलते हैं कि डबल एबीएस पे है गाड़ी, वो 1 लाख की डिमांड है। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन इसमें भी है। और उसी बजाज की गाड़ी जो आती है एनएस भी है, 200 NS, तो हमारे पास एनएस भी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं JR, जिसका नंबर है UP 32। हाँ, JR नहीं, ये NS 200 आती है जी। ये 2.25 लाख रुपए की आसपास गाड़ी है। ये चली हुई है गाड़ी लमसम 12,000 समथिंग चली हुई है, 12-13,000 चली हुई है। ये इसकी डिमांड 90,000 है, 90,000 रुपये है। फाइनेंस हम देखिए हैवी गाड़ी का जो है, हैवी गाड़ी में तो सब हो जाती है, अगर वो 15-16 भी मॉडल है तो उसका भी फाइनेंस हो जाती है, वो भी हो जाती है। हाँ, प्लस उसका डाउन पेमेंट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, नियर अबाउट 50% देना होता है, 50% हो जाती है गाड़ी। उसके बाद फिर से आप बुलेट की डिटेल बता दीजिए। अब जैसे बुलेट हमारे पास खड़ी हुई है गाड़ियाँ, बुलेट में तो कई हैं उसकी रेंज। एक हमारे पास 2017 है जो कि सिंगल डिस्क में है, वो उसकी डिमांड हमारी 140 की है, ये वाली 2017 मॉडल की है। फिर उसके बाद 20 मॉडल ड्यूल एबीएस पे हमारे पास है, 20 मॉडल है और उसकी जो डिमांड है हमारी है 190 की पड़ेगी। फिर उसके बाद उसी में एलाइविल भी आती है गाड़ियाँ, जो कि आप देख रहे होंगे मिलिट्री कलर खड़ी हुई है, समझ रहे हो, उसकी डिमांड हमारे पास 2 लाख रुपये की गाड़ी है, 2 लाख रुपये की डिमांड है। और कितने किलोमीटर चली गई है वो? 5,000 चली हुई है गाड़ी, 5,000 के आसपास चली हुई है। फिर R15S आती है, ये लंबी सीट पे आती है, लंबी सीट पे गाड़ी है, 19 मॉडल है। इसकी जो हमारी डिमांड है 5,500 किलोमीटर चली हुई है, 5,500 चली हुई है गाड़ी। ये 1,10,000 रुपये की डिमांड हमारी है जी। उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास पल्सर है, इसको RS बोलते हैं, 200 RS भी बहुत डिमांडेड गाड़ी है RS की। हाँ, बहुत डिमांडेड गाड़ियाँ हैं ये। हमारी डिमांड जो है ये 1,19,000 मॉडल है, 19 मॉडल है। हाँ, ABS है, फुल लोड ABS है गाड़ी, सब में ABS है। और जो हमारी डिमांड है 1,15,000 की डिमांड है, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाता है। उसके बाद ये नहीं आ रही है, अबाउट 80-85 के आसपास आ रही है, 80-85 जी। ये MT-15 है, ये ड्यूल ABS पे भी है। अभी इसकी एक सर्विस हुई है 2020 मॉडल, सिर्फ एक सर्विस, सारी सर्विसेज बाकी है। जैसे हम लोगों ने शीशे नहीं लगाया, शीशे पैक है, थोड़ा सा खड़ी करने में ये होता है कि कहीं स्क्रैच ना लगे। अच्छा। तो जब कस्टमर लेके जाता है तो उसको सारी चीज़ें दी जाती हैं, सर्विस बुक दी जाती है, सेकंड चाबी दी जाती है जी, शीशे वगैरह सब इसके रखे हुए हैं। और गाड़ी की रनिंग जो है ये 6,000 के आसपास चली हुई है गाड़ी, 6,000 एक सर्विस हुई है, बाकी सर्विसेज इसकी जो 5 सर्विसेज मिलती है 4 फ्री मिलेगी आपको। उसके बाद ये गाड़ी आप इंश्योरेंस वैलिड है? हाँ, सब 5 ईयर्स वैलिड। इसकी जो हमारी डिमांड है 1.5 लाख रुपये की डिमांड है, 1.5 लाख जी, 1.5 लाख। हाँ, इसमें भी नेगोशिएशन हो जाती है गाड़ी का। फिर ये V3 आ जाती है, 20 मॉडल है, वो 19 मॉडल है, फिर उसके बाद 18 मॉडल है। 20 मॉडल की जो डिमांड हमारी है वो 145 की है, 1,45,000। 19 मॉडल 1,00,000 ये तो 7,000 चली हुई है। फिर उसके बाद आ जाती है 19 मॉडल, ये भी ड्यूल एबीएस पे, ये भी ड्यूल एबीएस पे, वो भी ड्यूल एबीएस पे। तो 2019 जो है वो 1,40,000 की है, ब्लैक पे ये गाड़ी है, कलर जो इसका ब्लैक है। और किलोमीटर ये चली हुई है 8,000 चली हुई है समथिंग। फिर रेड पे आ जाती है वो ड्यूल एबीएस पे नहीं है, वो डबल डिस्क पे है मगर एबीएस नहीं है, इस वजह से उसका रेट कम है। 2018 मॉडल की है, वो 1,20,000 की पड़ेगी गाड़ी जी। रनिंग जो है उसका किलोमीटर का वो 10,000 प्लस है। इंश्योरेंस वैलिड है इन सब में? सारा वैलिड, टोटली वैलिड है। ठीक, सिर्फ रेड वाले का अभी एक्सपायर हुआ है, 2-4 दिन हुआ है, 5 दिन अभी। पसीनो की डिटेल बता दीजिए। पसीनो का ये तो ब्रांड न्यू गाड़ी है, अभी ये 2.5 से 3 महीने हुए हैं, 3 महीने पुराने। एक सर्विस हुई है इसकी, बाकी सर्विसेज सब फ्री है। 2021 मॉडल है ये गाड़ी, जो इसकी डिमांड हमारी है 75,000 है। और क्या माइलेज निकलता है इसका? माइलेज बहुत अच्छा होता है, नियर अबाउट 45 और 50 के बिटवीन होता है, 45 से 50। किलोमीटर की अगर बात की जाए तो इसको किलोमीटर में लग रहा है 2-2.5 हज़ार चली हुई है गाड़ी, 2-2.5 हज़ार। एक सर्विस हुई है। फिर एक्टिवा है हमारे पास, 5G है, 4G है, 3G है। तो जो 5G है वो उसमें कैटेगरी आती है, एक डिजिटल आती है, एक नॉन डिजिटल आती है। जो डिजिटल वाली है उसकी डिमांड जो हमारे पास है वो 57 की है, 57 की जी। डिजिटल वाली एक्टिवा 5G 2018 मॉडल है, 5 साल का इंश्योरेंस उसमें मिलेगा आपको।
वो आपको 57, 58 के हम लोग की डिमांड होती है, और जो नॉन डिजिटल है वो 55 की पड़ेगी आपको। 5G वो भी होती है मगर डिजिटल नहीं होती है वो। फिर उसके बाद 4G जो है वो भी एक्टिव आपको मिल जाएगी, आपको सिल्वर कलर खड़ी हुई है, नॉन स्क्रेचेबल है गाड़ी, उसकी 45,000 डिमांड है जी। 2017 मॉडल है वो जी। रनिंग के देखा जाए तो वो भी 13-14,000 के आसपास चली गई गाड़ी। फिर उसके बाद आ जाती है इसमें 3G आ जाती है, जिसे GQ खड़ी हुई है, आपको वाइट कलर की देख रहे होंगे, इसकी हमारी डिमांड है 35,000 रुपये की डिमांड है। ये 3G हैं गाड़ियाँ। फिर इसके बीच, हाँ इसके बीच में फिर हमारे पास गाड़ियाँ आ जाती है, वेटर भी हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, डेस्टिनी हैं हमारे पास, डेस्टिनी भी हैं, 2018 मॉडल है, उसकी भी डिमांड मान के चलिए हमारी ये 53 है डिमांड। 53 और नई कितने की आ रही है? नई तो ये आ रही है नियर अबाउट 1,00,000 रुपये की आ रही है। 1,00,000 जी जी। और 53 की मिलेगी जी। फिर एवेंजर भी है। एवेंजर अभी, हाँ हाँ बता दीजिए। एवेंजर भी हमारे पास है, इसमें दो आती है क्रेडिट, एक 220 आती है, 150 आती है। 250 हमारे पास खड़ी हुई है, ब्लू कलर की है, 13 मॉडल, उसकी जो डिमांड है वो 42 की डिमांड है हमारी जी। हमें थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाता है। और फिर 150 है, 35,000 की बता देते, उसकी डिमांड बता दीजिए। वो एक्टिवा वगैरह है गाड़ी की, एक्टिवा है, उसमें आ जाएगी ग्लैमर आ जाएगी, और नीचे मॉडल में पैशन आ जाएगी, ये सब सारी गाड़ियाँ हैं, डिस्कवर है ये सब गाड़ी। नीचे मॉडल में अगर आपको चाहिए 25, 30, 35 के रेंज में, तो ये सारी भाई बता दीजिए। नीचे मॉडल में लिए डिस्कवर है, कितने की? बजाज की डिस्कवर है, वो 13 मॉडल है, वो मिल जाएगी 30,000 रुपये की। 30,000 जी। बहुत कम रेंज में आप आ रहे हैं तो 8 मॉडल मिल जाएगी, पैशन वगैरह 20,000 की रेंज में, 20-22,000 के अलाइविल पे मिल जाएगी आपको गाड़ी। अलाइविल पे मिल जाती है। और सेल्फ स्टार्ट? नहीं, सेल्फ स्टार्ट नहीं मिलेगी ये गाड़ी। सेल्फ स्टार्ट डिस्कवर में आती है, स्पोर्ट में आ जाती है, ये सब आ जाती है, सेल्फ स्टार्ट मिल जाती है गाड़ियाँ। जो 20 उसके रेंज में है इसमें भी एक दो आ जाती है, मगर ये थोड़ा 20 से रेंज ऊपर बढ़ाएंगे तो आपको सेल्फ भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएगी, मगर हीरो को छोड़ के मिलती हैं गाड़ियाँ। बजाज या डिस्कवर, TVS की मिल जाएगी, बजाज की मिल जाएगी आपको, ये सब गाड़ियाँ मिल जाएंगी। मैंने तो सारी चीज़ें आपको बता दिया है। जब भी आपको कोई कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट टाइमिंग हमारी वही है, 11 to 7 PM की है, जब भी कांटेक्ट करें आप, ठीक है। हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जो भी व्यूअर कांटेक्ट करना चाहता है वो कर ले। इसके अलावा जो आप चार्जेस वगैरह होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि चार्जेस वगैरह है, जो हमारे यहाँ ट्रांसफ़र चार्जेस है वो 2,000 रुपये है, दो यहाँ पर RTO हैं, तो जैसे TP नगर है तो उसका 2,000 रुपये का चार्जेस है, और महानगर है तो 2,500 रुपये चार्जेस है। इंश्योरेंस वैलिड है उसके लिए तो उसका कोई चार्जेस नहीं है। 500 रुपये आपका जाता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का, 2,000 रुपये ट्रांसफ़र का जाता है, तो अमूमन तो आपको 2,500 रुपये लगना ही लगना है गाड़ी में, जो ट्रांसफ़र चार्ज और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। ये गाड़ियाँ नीचे मॉडल में होती तो इंश्योरेंस नहीं होता है, इंश्योरेंस अपडेट कराना पड़ता है, वो सारी चीज़ें कराना पड़ता है, 1,000 रुपये जाता है उसमें इंश्योरेंस का, वो चार्जेस सामने लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र का चार्जेस इंश्योरेंस प्लस 1 साल का 3,500 रुपये टोटल देना होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।